वेलकम यू ऑल इन द बगड़ियाबाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेस. द नेक्स्ट सेशन इज सेशन नंबर 5, सेट पेज लेआउट. इन ऑर्डर टू प्रिंट ए सीट यू हैव ए नंबर ऑफ इंटरेक्टिव ऑप्शंस. जब भी अपन सीट को प्रिंट करते हैं तो अपने पास नंबर ऑफ इंटरेक्टिव ऑप्शन है इन एक्सेल दैट अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज लेआउट ऑफ पेज, जो आपके पेज को ऑर्गेनाइज करने की फैसिलिटी देते हैं या अलाउ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सेट द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट आता है वो द मार्जिन, कि आप मार्जिन सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, साइज ऑफ पेज सेट कर सकते हैं, प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं, पेज हेडर एंड फूटर्स, जो भी अपन हेडर या फूटर अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, हाइड और डिस्प्ले ग्रिड लाइंस, कि जो एक्सेल के अंदर जो ग्रिड लाइंस है जो बाय डिफॉल्ट आपके प्रिंट नहीं होती उसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं. इट मींस नंबर ऑफ ऑप्शन अपने पास है जिससे अपन अपने पेज को क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने लेआउट को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं. इसमें फर्स्ट आता है वो आता है सेटिंग पेज मार्जिन. पेज मार्जिन आर द ब्लैंक स्पेस अराउंड द एज ऑफ द पेज. पेज की चारों ओर जो ब्लैंक स्पेस होता है उसे अपन क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं. तो सेट पेज मार्जिन फॉलो द गिवन स्टेप्स. पेज मार्जिन को सेट करने के लिए अपन को कुछ स्टेप्स दे रखे, उसको अपन को क्या करना है, फॉलो करना है. टू सेट द मार्जिन इन योर चॉइस क्लिक द पेज लेआउट. सबसे पहले अपन को किस पे जाना है, पेज लेआउट टैब पे जाना है एंड द मार्जिन बटन इन द पेज सेटअप ग्रुप. पेज सेटअप ग्रुप में आपको क्या मिलेगा, मार्जिन बटन मिलेगा. ए ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर इन विच यू मे आइदर सेलेक्ट ए रेडीमेड मार्जिन. जो आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा इसमें आप रेडीमेड मार्जिन जो आपको ऑलरेडी एक्सेल प्रोवाइड करता है वो आप सेट कर सकते हैं, और क्लिक टू कस्टम मार्जिन ऑप्शन टू सेट मैन्युअली, और आप कस्टम मार्जिन का यूज भी कर सकते हैं जिससे आप मैन्युअली क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं. तो देखिए अपन करते हैं इसको. सपोज दैट ये अपना क्या है, पेज है, ये अपना सीट एमएस एक्सेल की सीट है जिसमें अपन क्या करेंगे, मार्जिन सेट करेंगे. तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो देखिए अपन क्या करते हैं, फाइल पे जाते हैं और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्रिंट का. अभी आपके सामने जो मार्जिन एरिया आपको दिख रहा है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट राइट और टॉप और बॉटम के अंदर जो ब्लैंक स्पेस आपको दिख रहा है उसको अपन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. तो देखिए कैसे अपन करेंगे. सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पेज लेआउट पे जाते हैं और यहाँ पे अपन को पेज सेटअप जो अपना ग्रुप है उसके अंदर ऑप्शन मिलता है मार्जिन. मार्जिन पे क्लिक करते हैं, देन एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है. यहाँ पे जो रेडीमेड जो मार्जिन है वो आपको दे रखे हैं, जिस लाइक नॉर्मल है या वाइड है, नैरो मार्जिन है, इसको आप सेट कर सकते हैं. इसके अलावा अगर अपन चाहते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, कस्टम मार्जिन भी कर सकते हैं. तो देखिए कस्टम मार्जिन करने के लिए अपन लास्ट ऑप्शन अपने पास क्या आता है, कस्टम मार्जिन, और यहाँ पर आपको लेफ्ट टॉप राइट और बॉटम के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, मार्जिन मिल जाएगा. तो देखिए मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ एक बार, और इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर देते हैं. टॉप मार्जिन को भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ. अभी अपन इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं कि अपना जो प्रिंट होगा तो ये कैसे से होगा. तो ये जो ऑप्शन मिल रहा है अपन को प्रिंट प्रीव्यू, आप देख पा रहे हैं, देखिए पहले से जो मार्जिन था वो अपना चेंज हो चुका है. अभी आपके पास जो राइट लेफ्ट और बॉटम सॉरी टॉप के अंदर एक्स्ट्रा मार्जिन आपको शो हो रहा है. इट मीन्स आप यहाँ से सेट कर सकते हैं. तो जो अपन यहाँ पे जैसे अपन ने देखा कि रेडीमेड मार्जिन है वो भी आप सेट कर सकते हैं, और कस्टम मार्जिन पे भी क्लिक कर सकते हैं, और सेट मैन्युअली आप सेट कर सकते हैं. इफ़ यू क्लिक कस्टम मार्जिन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स अपीयर विथ मार्जिन टेब. जब आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते हैं तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स आपके सामने शो होता है, जैसा कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ. ये देखिए ये पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स है, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, मार्जिन टैब मिलेगा. इनटू द वैल्यू इन द लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम बॉक्स एंड क्लिक ओके. यहाँ पे अपन क्या करेंगे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे क्लिक कर वैल्यू इंटर करेंगे, या फिर यहाँ से सेट भी कर सकते हैं. जो आपके ट्राइंगल बटन आपको शो हो रहे हैं यहाँ से आप सेट भी कर सकते हो, देन ओके पे क्लिक करेंगे. यू कैन ऑल्सो क्लिक द पेज प्रीव्यू बटन इन द डायलॉग बॉक्स व्यू द प्रीव्यू ऑफ योर सेटिंग. जो आपके सामने जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है इसमें प्रिंट प्रीव्यू है, या इसको अपन पेज प्रीव्यू भी बोल सकते हैं. इस पर क्लिक करके अपन क्या देख सकते हैं कि आपका पेज एक्चुअली कैसे प्रिंट होगा वो आप देख भी सकते हैं. तो ये अपना मार्जिन, हाउ टू सेट द मार्जिन मैनुअली.
और इसके अलावा आपसे ऑप्शन आपके पास ये भी आते हैं जैसे लाइक जो आपके रेडीमेड आपके मार्जिन दे रखे हैं वो भी अपन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेट पेज ओरिएंटेशन। ये पेज का ओरिएंटेशन कैसे सेट करते हैं? तो पेज ओरिएंटेशन इज द वे इन विच ए रेक्टेंगुलर पेज इज ओरिएंटेड फॉर नॉर्मल व्यूइंग। कि जो आपका रेक्टेंगुलर पेज है वो कैसे ओरिएंट होगा आपके नॉर्मल व्यूइंग के अंदर, तो वो क्या होगा आपका पेज ओरिएंटेशन। टू सेट द ओरिएंटेशन ऑफ पेज कैसे अपन सेट करेंगे? क्लिक द पेज लेआउट टैब, अगेन पेज लेआउट टैब पे जाना है, देन ओरिएंटेशन बटन इन द पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप ग्रुप में आपको क्या मिलेगा? ओरिएंटेशन बटन। ए ड्रॉप डाउन एरो अपीयर, यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो मिलेगा। यहाँ पे टू ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, सेलेक्ट आइदर पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मीन्स आपका पेज क्या होगा वर्टिकली शो होगा, और लैंडस्केप ओरिएंटेड हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली आपके पेज को अगर अपन को व्यू करना है तो अपन क्या यूज करेंगे? लैंडस्केप। तो यहाँ पे टू ऑप्शन मिल रहे हैं अपन को, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट किसके लिए? वर्टिकली शो करने के लिए, और लैंडस्केप किसके लिए? हॉरिजॉन्टली शो करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे अपन जो पेज से पेज लेआउट में जाते हैं, यहाँ पे पेज सेटअप आपका ग्रुप है, इसमें ऑप्शन मिल रहा है अपन को क्या? ओरिएंटेशन। यहाँ पे टू ऑप्शन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। देखिए पोर्ट्रेट बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप पे क्लिक करते हैं तो देखिए इसका अगर अपन लुक देखना चाहते हैं कैसे प्रिंट होगा तो अपन प्रिंट में जाते हैं, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि आपका पेज है वो हॉरिजॉन्टली शो है। इसको आपको वर्टिकली शो करना है तो अपन क्या करेंगे? पेज ओरिएंटेशन में जाते हैं, पोर्ट्रेट में जाते हैं। अगेन अपन इसको प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं, तो अभी आप देख पा रहे हैं आपका पेज कैसे शो रहा है, पोर्ट्रेट शो रहा है, या अपन कह सकते हैं वर्टिकली शो हो रहा है। तो ये अपना क्या? पेज ओरिएंटेशन। नेक्स्ट इज सेटिंग साइज ऑफ पेज। पेज की साइज है वो भी अपन सेट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। बाय डिफॉल्ट एक्सेल पेज साइज इज A4। बाय डिफॉल्ट जो एक्सेल है वो साइज लेता है क्या? A4 लेता है। टू मॉडिफाई द डिफॉल्ट साइज ऑफ पेज, अगर आपको डिफॉल्ट साइज है वो मॉडिफाई करनी है, देन क्लिक द पेज लेआउट टैब, अगेन पेज लेआउट टैब पे जाना है, देन साइज बटन इन द पेज सेटअप। साइज बटन मिलेगा आपको पेज सेटअप ग्रुप में। ए साइज ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर, यहाँ पे एक साइज ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा। हियर सेलेक्ट एनी वन ऑफ द रेडीमेड साइज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो रेडीमेड साइज है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है वो क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं। नॉट इफ यू क्लिक मोर पेपर साइज ऑप्शन इन द साइज ड्रॉप डाउन मेन्यू, अगर आप मोर पेपर साइज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं जो साइज ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिलेगा आपको, द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स अपीयर विथ पेज टैब। जो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स है वो पेज टैब के साथ मिलेगा, विच सेट द स्केलिंग ऑफ पेजेस, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं पेज की स्केल है वो सेट कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको पेज की साइज है वो चेंज करनी है तो अगेन अपन पेज लेआउट टैब में जाते हैं, जस्ट लाइक मैं होम पेज पे हूँ, देन मैं पेज लेआउट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे पेज सेटअप डायलॉग जो ग्रुप है उसके अंदर ऑप्शन मिल रहा है अपन को साइज का। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके लेटर साइज और A4 साइज दे रखी है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मोर पेपर साइज, तो जैसे ही आपका मोर पेपर साइज पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स मिलेगा। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको पेज जो टैब है वो आपको शो मिलेगी। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपनी स्केलिंग है वो शो कर सकते हैं, ठीक है। पेपर साइज आपको यहाँ से अगेन शो कर सकते हैं, और स्केलिंग भी अपन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे 300 dpi, कि 300 dpi पे ये प्रिंट होगा, देन आप क्या कर सकते हैं? ओके कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू करना है तो आप ये भी देख सकते हैं, देखिए ये आप देख सकते हैं। और अगर आपको इसका साइज चेंज करना है, देखिए मैं इसको A4 साइज कर देता हूँ, और अगेन अगर अपन चलते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ गया है, A4 साइज आ गया है। इसका प्रिंट प्रीव्यू है वो भी आप देख सकते हैं, तो ये आपका A4 साइज का प्रिंट प्रीव्यू है। ये एक्चुअली साइज है पेज के अकॉर्डिंग अपन सेट करते हैं, जो जो पेज अपन यूज करते हैं, जस्ट लाइक A4 है, लेटर साइज है, लीगल साइज है, तो वो पेज के अकॉर्डिंग अपन सेट करते हैं। तो ये अपना कि हाउ टू सेट पेज साइज। थैंक यू।